लक्ष्मी का ध्यान भी, क्योंकि दिवाली आ रही है, वो भी आप अच्छे से ध्यान करने का प्रयास करें। ओम अक्षस्त्रगपर शुंगले शुगुलशं पद्मं धनुष्कुंडिकां दंडं शक्तिमशं चचर्मजलजं घंटां सुराभाजनं शूलं पाससुदर्शने च ददति हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिह महां लक्ष्मीं सरोजस्थितां। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा जो है वो है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग इस अक्टूबर के जो आखिरी समय चल रहा है उसमें किस प्रकार का रहेगा। अभी हमने आपको कुछ दिन पहले जो उपस्थित किए थे, हमने वीडियोस के माध्यम से बताया था कि अक्टूबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि बुध भी कई बार परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उदय भी हो रहे हैं, परिवर्तन की तरफ भी जा रहे हैं, और अभी भी बुध अंत में परिवर्तन करके जहां जा रहे हैं वो आपके लिए थोड़ा सा विचित्र भाव उत्पन्न करते दिखाई देंगे। बने बनाए काम पर आप लात मारने के योग बना सकते हैं, तो सावधान हो जाएं। ग्रह तो इसी प्रकार का प्रभाव दिखा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, लेकिन आप अननेसेसरी परेशान होकर थोड़े से मैं कहूँगा लोभ का ग्रसित होकर ऐसा कार्य कर सकते हैं कि बने बनाए खेल को बिगाड़ाएं, लात मारें, तो ऐसा ना कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं कष्ट में फंस जाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समझ लें। और अभी दिवाली भी आने वाली है, दिवाली पर आप कन्फ्यूजन देख ही रहे हैं, किस प्रकार की कन्फ्यूजन है, कब मनाएं, क्यों मनाएं, बहुत सारे तथाकथित तौर पर लोग एकत्र हो गए हैं, उन्होंने हमारे धर्म के बारे में अननेसेसरी की कुछ बातें करनी शुरू कर दी। हम आपको बताएंगे कब पड़ेगी दिवाली, किस प्रकार से, शास्त्र में कौन सा मुहूर्त है, कब है, कैसे है, शास्त्र में हर चीज़ वर्णित है। लोग अननेसेसरी भ्रांति फैलाने के लिए इस देश में विधर्मी लोग जो हैं वह बहुत विचित्र प्रकार से हमारे धर्म के प्रति कुछ गलत कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों समझ लो आपकी राशि में सिलसिलेवार तरीके से ग्रह नक्षत्रों का योग क्या बन रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 अक्टूबर सोमवार का अवसर है और कार्तिक का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, पंचमी तिथि है और इस दिन गजकेसरी योग का निर्माण आपके लिए ज़रूर हो रहा है। 21 तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। ये समय गजकेसरी धन आने का योग भी बनता है, लेकिन साथ साथ धन जाने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं, खर्चे भी साथ साथ बनने के योग बन रहे हैं। यदि खर्चे लीकेज कम कर लिए आपने तो दिन आपके लिए शुभ हो सकता है, ये साफ साफ दिखाई देता है। आपको ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण समझ में आ जाना चाहिए। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य क्योंकि मौसम परिवर्तन कर रहा है, तो ऐसे में महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, शिव का दूध से अभिषेक करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हम बात कर लेते हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 22 तारीख की, 22 अक्टूबर का दिन मंगलवार का दिन, षष्ठी तिथि है, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि जो कार्तिक महीने चल रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन कर आपके लिए बड़ा सुंदर वातावरण बन गया, नया हिम्मत नया शक्ति के साथ आपके लिए दिन उदय हो रहा है और यह आपके लिए कुछ ना कुछ नया रास्ता चुनने का रास्ता बना सकता है, साफ साफ दिखा रहा है। लेकिन फिर भी मंगल चल रहे हैं कमज़ोर, इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल जो है वो कर्क राशि में आ गए हैं अभी 2 दिन पहले और ये रहेंगे 4 महीने करीब करीब, उठा पटक के योग बनाएंगे, कई मामलों में बने बनाए काम को बिगाड़ सकते हैं। तो मंगल को शक्ति देने की ज़रूरत है। मंगलवार है, हनुमान जी का स्तवन कर लीजिए, हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, नित्यपति कीजिए, नहीं तो ये मंगल जहाँ बसे हुए ना ये आपको थोड़ा सा कंजूस बना देंगे और साथ साथ ऐसा योग बना देंगे कि कई मामलों में आप बिल्कुल अरे मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा काम नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं करना हूँ, ऐसा नहीं करना, थोड़ी हिम्मत जगाने के योग, एक तरफ हिम्मत जागेगी दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अंदर से पराक्रम टूटने के योग भी बनते दिखाई देंगे। थोड़ा सा मंगल का उपचार करना ज़रूरी है और जहाँ कूदेंगे ना वहाँ गलत जगह कूद जाएंगे, ऐसा भी ग्रह योग बन रहे हैं। तो बड़े सोच समझ के साथ शालीनता के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा जो बताया है आपको। 23 तारीख का अवसर बुधवार, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा का योग भी है, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, दोपहर तक कम से कम 1:23 तक भद्रा का योग है। ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं आपके लिए जो समय है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है, अभी समय आपके लिए जो है वो हिम्मत के साथ कार्य करने का है, अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा बुध को शक्ति देने का प्रयास करें, हो सके तो गणेश जी का स्तवन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा। 24 तारीख बृहस्पतिवार का दिन, अष्टमी तिथि विद्यमान है और कर्क राशि में चंद्रमा रात्रि में प्रवेश करने के योग बना चुके हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग रहेगा, ये आपके लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है। आप जो भी कार्य करें उसमें बड़े जन गुरुजन का आशीर्वाद लें, माता पिता का आशीर्वाद लेके कार्य करना, देखो सफलता का योग बन सकता है। और इस दिन तो अहोई अष्टमी का योग बन रहा है, अहोई अष्टमी वो दिन है कि जिसमें माताएं अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं और व्रत कर सरलता से भगवती के समक्ष आकांक्षा रखती हैं। कथा जब सुनते हैं ना उस कथा को कि किस प्रकार से उस कुम्हार ने अलाव जलाया और उसके अंदर बिल्ली के बच्चे रह गए थे, अब कुछ बचा नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करी, भगवती ने स्वयं आकर उन बच्चों की रक्षा करी, तो यानी परमात्मा सरलता से यदि प्रार्थना करेंगे तो सब कष्ट निवारण कर देता है। और व्रत कर माताएं जब अपने संतान के लिए व्रत रखती हैं तो वो आशीष अवश्य, यही आशीष है और यही आशीष जो है, यही आशीर्वाद जो है ना,
कि ऐसे भी कष्ट का निवारण कर सकता है। तो सरलता से इसको समझें, गुरुपुष योग बन रहा है, बड़े सुंदर दिन ये योग बन गया है, दिवाली से पहले दिवाली का योग बन रहा है। तो ऐसे में जिस भी कार्य को करना हो ना, तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका आदर्श, उनसे बातचीत करके कार्य करना, देखना सफलता तुम्हारे कदम चूमती दिखाई देगी। साफ साफ दिखा रहे हैं हम आपको, इससे बड़ा क्या उपाय होगा। 28 तारीख के हम 25 तारीख की बात करें, शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रहों का योगायोग कुछ अच्छा कुछ खराब बनता दिखाई दे रहा है। बस तेरे आवश्यकता यह है कि थोड़ी हिम्मत रखते हुए कार्य करें, लालच ना करें, लालच में दोनों गए माया मिली नाराम, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इन दिनों जो है आपको विशेष तौर पर क्षौर कर्म से बचना है, अननेसेसरी थोड़े क्षौर, किसी प्रकार के क्षौर कर्म से बचने का प्रयास करें, बहुत ज़्यादा बाल ना कटवाएं, इस बात का ध्यान रखें। किसी प्रकार का क्षौर कर्म करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, गौ पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 26 तारीख शनिवार का दिन है और दशमी तिथि उस दिन विद्यमान है और कार्तिक के कृष्ण पक्ष की दशमी। ग्रह नक्षत्रों का योग परिवर्तन का है, सूर्य भी परिवर्तन विशेष तौर पर परिवर्तन का योग बना रहे हैं, चंद्रमा भी सुबह सुबह, उसके साथ साथ बृहस्पति भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। बृहस्पति वक्र स्थिति में चलते हुए ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, ये आपके लिए कुछ रास्ता बनाते दिखाई देंगे। और ये साथ साथ जो सिंह चंद्रमा परिवर्तन का योग बना रहे हैं, ये भी पराक्रम में इजाफा करने के योग बना सकते हैं, अच्छे योग बनते दिखाई देंगे आपको। लेकिन शनि महाराज जिस प्रकार का ग्रह योग आपके साथ बनाए हुए हैं, भाग्य में बैठे हुए शनि महाराज इन दिनों वक्री चल रहे हैं और 15 नवंबर तक वक्री चलेंगे। भाग्य रुक रुक कर थोड़ा सा लगेगा कि पीछे घुसता हुआ, यानी एक कदम आगे तो तीन कदम पीछे बढ़ने के योग बन सकते हैं, तो फिसलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो शनि का उपचार कर लीजिए, शनिवार का दिन है, हनुमान जी को चोला चढ़ाए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल को भी ताकत मिलेगी क्योंकि वो भी कमजोर है और शनि को भी ताकत मिलेगी। तो हनुमान जी को चोला, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, जो भी कर सके वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख रविवार एकादशी, रमा एकादशी, दिवाली से पहले दिवाली का सुंदर योग, रमा एकादशी साक्षात भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की सुंदर उपासना करने का रास्ता है। कहा जाता है कि यदि उपासना करें तो बहुत सुंदर योग बनते हैं। सूर्य इन दिन थोड़ा कमजोर चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, सूर्य आपके तुला राशि विशेष तौर पर पंचम भाव में सबसे कमजोर अवस्था में, कार्तिक के महीने में सबसे सूर्य कमजोर हो जाते हैं। इसलिए हमारे पुराण इत्यादि में कथा कही गई है, बताया गया है कार्तिक महात्म के अंदर सबसे श्रेष्ठ उपाय कार्तिक स्नान। कार्तिक स्नान कहा जाता है कि एक महीने का पूरा स्नान होता है और यदि स्नान करके अपने पितरों का तर्पण कर नित्यपति भगवान सूर्य को अर्घ देंगे तो समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। सूर्य आपके पराक्रम के स्वामी हैं आपकी राशि के अनुसार से, और वो विद्या वाले भाव में बैठे हुए हैं, बुद्धि वाले भाव में बैठे हुए हैं, वहाँ विचार सही आने नहीं दे रहे हैं। ये उपाय कर लो और फिर देखो आप चमत्कार उपस्थित कर सकते हैं, विचार भी आ जाएगा तो पराक्रम भी सही उदय होने शुरू हो जाएंगे। ये उपाय शास्त्र वर्णित है। अननेसेसरी लोग आजकल कई बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है, कई लोग आज पता नहीं सोशल मीडिया पर बैठकर कौन कौन से कोका कोला से लेकर पेप्सी से लेकर अनेक प्रकार के विचित्र विचित्र उपाय बताते रहते हैं। सीधे साधे सरल उपाय, परमात्मा की उपासना करने वाले उपाय आप समझें और बेकार के झगड़ों में ना फंसें, नहीं तो ना कुछ होगा और मन में हीन भावना अलग उत्पन्न होगी शास्त्र के संबंध में। शास्त्र प्रमाणित है, शास्त्र के अनुसार से चलें, और ये चिकने चुपड़े लोग जो आते हैं रंग पोत कर बैठ जाते हैं उनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा है। शास्त्र मत को समझना अच्छी आवश्यकता दिखाई देती है। 28 तारीख के दिन बात करें, सोमवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि समझें तो खास तौर पर ग्रह योग आपके लिए दिखा रहे हैं परिवर्तन का योग। ये परिवर्तन गजकेसरी योग का भी निर्माण करेगा और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इस दिन विशेष तौर पर ये दिन बड़ा अच्छा है। वैष्णव मत से विशेष तौर पर ग्रह योग जो दिखा रहे हैं वो खास तौर पर ग्रह योग दिखा रहे हैं कि वैष्णवों के लिए भी एकादशी का सुंदर एकादशी युग द्वादशी है और सुबह रमा एकादशी वैष्णवों के लिए बड़ा सुंदर योग बना रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए पराक्रम में अच्छा दिखाई देता है, लेकिन समय का सदुपयोग करने की जरूरत है। ऐसे योग बन सकते हैं कि बेकार के लोग आएं और आपका समय दोस्त यार अपने काम कार्य में आपको लिप्त करके फंसा के आपका काम को बर्बाद कर दें, ऐसा समय बर्बाद कर देते हैं, ऐसा योग बन सकता है। बस थोड़ा सा ध्यान रख लिया ना आपने तो आने वाले 2-3 दिनों में बहुत बड़े लाभ के रास्ते आप खोल सकते हैं। इसलिए समय को सही दिशा में लगाएं, बेकार व्रत ना करें, बड़ी मुश्किल से सही समय बन के आता है और ये समय ऐसा ही बन रहा है आपके लिए। सोमवार का दिन है, क्योंकि स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए शिव का महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक करेंगे तो सब शुभ होगा। 29 तारीख मंगलवार, बहुत विशेष दिन है, गजकेसरी योग का निर्माण आपकी काशी में हो चुका है और बहुत सुंदर रास्ते आपके बनने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा बहुत सुंदर बृहस्पति से दृष्ट होकर आ बैठे हैं और कई मामलों में आपके लिए पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं, लेकिन आपको उपचार करना पड़ेगा, अपने मंगल का शनि का इन सबका उपचार करना पड़ेगा। और उपचार क्या है, मंगल को मनाने के लिए हनुमान जी को पूजन करें, मंगलवार का दिवस है, भौम प्रदोष का योग है,
और मंगल जब खराब चल रहे हैं और ऐसे में देव कृपा से भवम प्रदोष का योग बन गया है, तो कोशिश ये करें भगवान शिव का अभिषेक शाम के समय अवश्य करें, किससे कि गन्ने के उससे विशेष तौर पर रस से कर लें, या गौशाला गोवत्स द्वादशी भी है, गौशाला में जाकर गाय को थोड़ा गुड़ खिला दें, गाय के बच्चे को बछड़े को गुड़ खिला, गोवत्स द्वादशी है, गुड़ खिला दीजिए अपने हाथ से, गुड़ चना इत्यादि बेसन के बने हुए कुछ चीज़ें बनाकर उसको खिला दीजिए, बेसन को घोल के पानी में पिला दीजिए गोवत्स को, मंगल का सुंदर उपचार होगा। देखिए मंगल का परिवर्तन होने से सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे, इस वक्त ये सुंदर उपाय करने से बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा। बुध भी इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये जो परिवर्तन है ये थोड़ा सा आपके लिए बड़ा विचित्र होगा, थोड़े से आप फक्कड़ किस्म के हो जाएंगे। ग्रह दिखा रहा है कि आने वाले समय में अरे नहीं हो रहा ना हो काम में, ऐसा ऐसी स्थिति बन सकती है मनोविचार में, ऐसे छोड़ो सब कुछ फालतू बकवास, मैं इतना अच्छा हूँ सब कुछ हूँ, अरे अच्छे हो तो हिम्मत ना हारो ना भाई, हिम्मत हार का पुरानी कहावत है शास्त्र में कही गई, हारिए ना हिम्मत बिसराइए ना राम, इस बात का ध्यान रखें। वही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं उनके साथ और राम को भूल जाते हैं, फिर किस्मत भी उनके साथ कहाँ देती है, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए शास्त्र में जो वर्णित है उस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और देखिए इस दिन एक खास उपाय कर लेना चाहिए, वैसे तो हम आपको बताएंगे अभी कार्यक्रम के अंत में उस पूरे उपाय के बारे में दिवाली कैसे मनानी है, लेकिन दिवाली का महापर्व इस दिन से आरंभ हो रहा है क्योंकि यम दीपदान त्रयोदशी के दिन विशेष तौर पर जब शाम को त्रयोदशी हो जाए तो उस दिन यम दीपदान किया जाता है। कहा जाता है कि एक प्रयोग पूरे वर्ष तक आपकी अपमृत्यु से आपकी रक्षा करता है और कोई अलाएं बलाएं सब जीवन से दूर हो जाती हैं। एक बहुत लंबा चौड़ा प्रयोग है, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे, लेकिन इतना कम से कम अवश्य कीजिएगा कि एक अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ इस दिन शाम के समय सूर्यास्त के बाद चौमुहा दीपक जलाकर यमाय नमः इस अन्न के ढेर के ऊपर जलाकर अवश्य रखें, इसे कल्याण के योग बनेंगे। 30 तारीख बुधवार और त्रयोदशी तिथि है और धनतेरस का सुंदर योग बन गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण करता हुआ बहुत सुंदर योग बना रहा है, लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है, विजय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। ऐसे में महालक्ष्मी के यंत्र की स्थापना कर और साथ साथ भगवती के निमित्त गणेश जी का सुंदर श्री विग्रह स्थापित करें, धनराज धर्मराज का पूजन करें, साथ साथ 13 दीपक घर में जलाकर सुंदर पूजन करें और पूरे विधान को हम अभी लास्ट में बताने वाले हैं आपके लिए, लेकिन विशेष तौर पर श्रीयंत्र और दक्षिणावर्ती शंख को स्थापित करना चाहिए इस दिन और उनका पूजन कर भगवान की कृपा प्राप्त करने का अवसर बनाएं। इस दिन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शास्त्र में वर्णित है कि आपको धन्वंतरी भगवान का पूजन करना चाहिए, साक्षात विष्णु स्वरूप भगवान का पूजन कर उनका चरणामृत यदि ग्रहण कर लें तो कहा जाता है कि आरोग्यता प्राप्ति के योग बन जाते हैं, सुंदर योग बन जाते हैं। 31 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर छोटी दिवाली का सुंदर योग है और इस दिन हनुमान जयंती और साथ साथ नरक चतुर्दशी का भी योग बन रहा है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की उपासना कर उनका पूजन कर शालिग्राम जी का चरणामृत ग्रहण करने से व्यक्ति नरक को नहीं देखता है, सारे जो पाप हैं वो क्षय हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ये दिवाली का महापर्व वास्तविक तौर पर आप सबके लिए एक रिजनोवेशन का समय है, कायाकल्प करने का समय है, जो हुआ रात गई बात गई भूल जाइए जो स्थिति हुई और उन सब से निवृत्त करके सुंदर रास्ता कैसे बना सकते हैं ये शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं, वो समस्त हम आपके समक्ष रख रहे हैं। तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं और ये आपके पराक्रम का उदय करेंगे, विजय के रास्ते बनाएंगे और समझे ऐसा योग बनेगा कि जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, कोई आपके कामों में टांग अड़ाने का प्रयास करेगा तो वो खुद ही फंस जाएगा, लेकिन आप अपने आप ही टांग अड़ाएंगे क्योंकि ग्रह ऐसे दिखा रहे हैं कि आप खुद ही हिम्मत हार रहे हैं, खुद ही आप अपने बने बनाए काम पे लात मार रहे हैं तो फिर नुकसान किसका होगा। ग्रह तो अच्छे हैं पॉजिटिव हैं। दिवाली कैसे मनाएं ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं, दिवाली कब है ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं। समझ लीजिए दिवाली के संबंध में भ्रांति हो तो बहुत सारे लोगों ने भ्रांति उत्पन्न का प्रयास किया, हम आपको बता रहे हैं हर चीज़ का निवारण। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से चतुर्दशी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन होकर आपके लिए धर्म भाव का उदय होने का योग बनेगा। चंद्रमा परिवर्तन करके करीब 11:15 बजे के आसपास तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यह आपके लिए सुंदर रहेगा, धर्म का उदय करने का योग बनेगा, धर्म में आस्था जाएगी। हनुमान जयंती भी है इस दिन और बृहस्पति वीरवार के दिन हनुमान जयंती का सुंदर योग बन रहा है, साथ साथ नरका चतुर्दशी का भी सुंदर योग बन रहा है। और इस दिन विशेष तौर पर एक प्रयोग अवश्य करना चाहिए, इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और एक आपामार्ग का पेड़ का पत्ता छोटी सी बूटी होती है जिसको चिड़चिटा बोला जाता है, उसको रात को ही उखाड़ के रख लेना चाहिए और अपने सिर से वार कर स्नान इत्यादि करने के उपरांत उपटन लगाकर तिल का तेल से स्नान करना चाहिए। यम के निमित्त जो विशेष तौर पर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने का विधि है वो अवश्य करना चाहिए स्नान के उपरांत, और उसके बाद यम के पुत्रों के निमित्त 2 दीपक घर के बाहर जलाने चाहिए और उसके बाद यम का पूजन करने के बाद फिर भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और साथ साथ भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए।
ये सब शास्त्र में वर्णित उपाय है। और दीपावली के संबंध में भी बता देते हैं, वैसे तो हम दीपावली के संबंध में बहुत सारी भ्रांति इस समय में उत्पन्न हो रही है कि दिवाली कब मनाई जाए। दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का रहेगा, दीपावली का सुंदर पर्व 1 तारीख का शास्त्र के दृष्टिकोण से रहना चाहिए। दीपावली के संबंध में आजकल बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने कुछ भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया है, कहा गया है कि दीपावली जो है वो रात्रि में अमावस्या होनी चाहिए तब दीपावली मनाई जाती है। और इस बार हो क्या रहा है, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमें समझना चाहिए कि जो ग्रह नक्षत्रों का योग जो है, अमावस्या जो है वो विशेष तौर पर 1 तारीख की हम गणना करें तो शाम को करीब करीब 6:15 बजे के आसपास तक है। और दिल्ली में हम सूर्यास्त की बात कर रहे हैं तो करीब करीब सूर्यास्त जो हो रहे हैं 5:30 बजे के आसपास हो रहे हैं। तो ऐसे में प्रदोष काल में सुंदर, शास्त्र कहता है कि प्रदोष काल में यदि अमावस्या मिल जाए तो वही श्रेष्ठ काल है भगवती महालक्ष्मी का पूजन करने के लिए। जो लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करें, रात्रि में प्रदोष काल रात्रि ही का ही प्रपहर प्रथम पहर मान लिया जाता है, तो उसमें यदि रात्रि में अमावस्या मिल रही है, उदय तिथि अमावस्या मिल रही है, तो औचित्य ही नहीं है कि आप 31 तारीख को दीपावली मनाएं। ऐसा कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है। कुछ लोग भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रदोष काल में उस दिन पहले ही मिल जाएगा, उदय तिथि मिल रही है और प्रदोष काल में जा रही है 1 तारीख को अमावस्या, तो फिर किस बात का, स्वाति नक्षत्र भी जो विद्यमान है वो रात्रि में मिल रहा है, तो फिर क्यों विशेष तौर पर हम भ्रांति में फंसे। कुछ लोग तथाकथित तौर पर ज्योतिष को गलत रूप से उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र में वर्णित है प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या शुद्ध रूप से विद्यमान है और धर्म सिंधु निर्णय सिंधु इत्यादि में इस बात को प्रतिपादित किया गया है, तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। कुछ लोग जबरदस्ती धर्म के प्रति भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। 1 तारीख को ही दीपावली का सुंदर पर्व रहेगा, उसको इसी प्रकार से मनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। महालक्ष्मी की सुंदर पूजन 1 तारीख को ही रहेगा। तो अभी आपने दिन पर दिन किस प्रकार के ग्रह योग बनेंगे उसको समझा। अब ये समझ लीजिए कार्तिक का महीना यह बड़ा अद्भुत महीना है। कार्तिक के महीने में कहा जाता है भगवान विष्णु के निमित्त जो अनेक आराधनाएं की जाती हैं वो समस्त प्रकार के कार्तिक महात्म्य में बताया गया है, समस्त प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करती हैं। कार्तिक का महीना उत्सवों का महीना है और देवउठनी एकादशी भी इसी महीने में आती है, तो इसलिए इस पूरे मास में भगवान विष्णु की यथाशक्ति यथाश्रद्धा पूजन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। दिवाली अनेक प्रकार के उत्सव वो सब इसके अंदर आ ही रहे हैं, अहोई अष्टमी करवा चौथ ये सब के सब इसमें आए। अभी आपने सब इसके बारे में महत्व सुना। अभी आने वाले समय में विशेष तौर पर देवउठनी एकादशी तुलसी पूजन समस्त प्रकार के अद्भुत उत्सव इसमें आएंगे। देव दिवाली का भी सुंदर उत्सव भी इसी कार्तिक के महीने में आता है, तो ये कार्तिक के महीने में श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजन साथ साथ महालक्ष्मी के पूजन करने का जो शास्त्र में विधान है ये छोटी छोटी परिपाटियां नहीं है, ये वास्तविक तौर पे हमारे जीवन से कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत जो मुहूर्त है इसका हमको उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको समस्त दिनों के उत्सवों के संबंध में जो भ्रांतियाँ वो भी बताई, आपके भविष्य में किस प्रकार के सुंदर योग बन रहे हैं वो भी आपको समझना चाहिए, और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन समस्त सूत्रों को यदि समझकर आप जीवन में उतारने का प्रयास करें। देखिए आजकल ज्योतिष जो है ना वो वास्तविक तौर पर केवल शुष्क ज्योतिष लोगों करने का प्रयास किया जा रहा है, आध्यात्मिक साथ जोड़ा ही नहीं जा रहा है। वैदिक ज्योतिष आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा वैदिक ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष को वास्तविक तौर पर पुरानी कथाओं के माध्यम से ही समझाया गया है और हर चीज को हर सूत्र को हमारी भारतीय संस्कृति में कथा के साथ जोड़ दिया गया है। उस कथा का आदि भौतिक आदि दैविक अर्थ भी होता है। यदि उन अर्थों को समझकर आप उन सूत्रों को समझ लें कि किस प्रकार से हमें कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए जो हमारे जीवन में कष्टों का निवारण करें, वही इस ज्योतिष का उद्देश्य है, और उन समस्त सिद्धांतों को ही हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। तो जो उपाय हमने बताए, चाहे वो दिवाली के उपाय हों चाहे वो धनतेरस के उपाय हों, और धनतेरस के दिन विशेष तौर पर शास्त्र के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया कि यम दीप दान का एक मुहूर्त बताया था आपको, दिवाली का ही मेन उत्सव है, उसको अच्छे समझ लें कि किस प्रकार की। हमारे यहाँ दिवाली 1 दिन की या 2 दिन की दिवाली नहीं होती, आमतौर पर क्या होता है छोटी दिवाली बड़ी दिवाली एक भ्रांति के रूप में लोगों के मनोमस्तिष्क में आ जाती है, लेकिन दिवाली भारतीय संस्कृति में 5 दिन की मनाई जाती है, जो धनतेरस से आरंभ होती है और विशेष तौर पर जाती है भैया दूज तक। ये दिवाली का महापर्व है और दिवाली का महापर्व जो है मृत्यु के देवता से आरंभ होकर मृत्यु के देवता पर ही समाप्त होता है। धनतेरस के दिन यम दीपदान यम पूजन करने का नियम बताया जाता है और अंतिम में यम द्वितीया के साथ ये मुहूर्त आरंभ होता है। यानी भारतीय संस्कृति में इस बात को समझें कि किसी भी चीज़ का भय नहीं है, यानी यम का मतलब मृत्यु के देवता, उनके भी पूजन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है, और यदि आप यम दीप दान कर लें, कहा जाता है कि 1 वर्ष तक, यानी इस यम दीप दान से अगले यम दीप दान तक, यानी कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की
त्रयोदशी से लेकर अगले वर्ष की त्रयोदशी, कृष्ण पक्ष की जो कार्तिक की त्रयोदशी तक अपमृत्यु होने के योग नहीं बनेंगे। केवल एक दीपदान यदि कर लिया जाए, सूत्र भी समझ लीजिए किस प्रकार से शास्त्र के अनुसार से उसको बताया गया है। शास्त्र के 29 तारीख को ये योग हमने जो बताया आपको, उस दिन यम दीपदान का सुंदर मुहूर्त बन रहा है और विशेष तौर पर 29 तारीख से ये आरंभ हो जाएगा, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल में उस दिन त्रयोदशी आ जाएगी, तो उस दिन से ये योग बन के आरंभ हो जाएगा। उस दिन से यदि आप इन उपायों को कर लें तो शास्त्र के दृष्टिकोण समझिएगा अद्भुत रूप से योग बन जाएगा। इस बार दीपावली का जो उत्सव है 29 तारीख से आरंभ हो रहा है, यम दीप दान से उसको करने का प्रयास करना चाहिए। उस दिन 29 तारीख की शाम के समय एक सूत्र समझ लें, एक अद्भुत रूप से क्या शास्त्र बताया गया है कि उस दिन एक दीपक, चौमुखा दीपक लेकर अपने घर के दक्षिण दिशा में उसको प्रज्वलित करना चाहिए यम के नाम पर, और विशेष तौर पर इसको जल प्रज्वलित करने के लिए यम दीप दान करने की जो व्यवस्था की जाती है, कहा जाता है कि इस दीप को यदि एक दिन जला, उस दिन जला दिया जाए अन्न की ढेरी बनाकर, एक आटे का चौमुआ दीपक लेकर वहाँ पे यमाय नमः इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करते हुए यदि उस दीप को जला दें, और उससे पहले उस दीप की आरती अपने पूर्वजों के निमित्त दक्षिण दिशा में दिखाकर अपने पितरों को दिखा दें, तो ये केवल एक दीपदान आपको एक वर्ष तक किसी भी प्रकार की अपमृत्यु से, यानी अपमान के होने के योग, आपके नाम को खराब होने के योग, कैसे भी कष्ट हो उनसे रक्षा करने का ये अद्भुत रूप से उपाय शास्त्र बताया जाता है, तो ये अवश्य कर लेना चाहिए शास्त्र के दृष्टिकोण से। और इसके बाद अगले दिन धन्वंतरि भगवान का सुंदर पूजन रहेगा, जो 30 तारीख को रहेगा बुधवार के दिन, जिस प्रकार से हमने आपको बताया भगवान धन्वंतरि। भगवान धन्वंतरि कौन? आमतौर पर लोग इस उत्सव को कटोरी लाने का या बर्तन लाने का उत्सव मना लिया है। यमदी धन्वंतरि वास्तविक तौर पर अमृत कलश लेकर जो उपस्थित हुए उस सागर मंथन से, वो देवता माने जाते हैं। धन्वंतरि आयुर के देवता है, आयुर अमृत को प्राप्त कराने वाले देवता है, उनका पूजन करने का शास्त्र में विधान है। वास्तविक तौर पर यदि उनका पूजन रूप से किया जाता है, नहीं तो आज की तारीख में, पुराने जमाने में धन का जो वास होता था वो बर्तनों में होता था, क्योंकि वो वास जो बर्तनों में होता है वो विशेष तौर पर या तो हमारे चांदी के बर्तन होते थे या विभिन्न समृद्धि के बर्तन होते थे, आज की तारीख में तो लोहे के बर्तन हैं। यदि उनको घर ला रहे हैं तो शनि को घर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए इसको बर्तनों का उत्सव ना बनाए, सुंदर रूप से शास्त्र के विधान के अनुसार से सुंदर उनका पूजन करके आरंभ करने का प्रयास करें तो बड़ा सुंदर रहेगा। उस दिन जो 29 तारीख 30 तारीख को योग बन रहे हैं, त्रयोदशी उदयातिथि के रूप में विद्यमान रहेगी, सुंदर पूजन उनका करने का प्रयास करें तो अद्भुत रूप से आपके कल्याण के योग बनेंगे। भगवान धन्वंतरि का सुंदर पूजन करें, भगवान विष्णु के स्वरूप में उनका पूजन किया जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, और वो आयुष को प्रदान करने वाला माना जाता है। 31 तारीख को छोटी दिवाली का भी पर्व है, जिसको कहा जाता है हनुमान जयंती, नरक चतुर्दशी का सुंदर योग पड़ रहा है। कहा जाता है इस दिन सुबह सुबह जब सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए और अपने पूरे शरीर पर तेल का मर्दन करना चाहिए। तिल के तेल का मर्दन करना शास्त्र में बताया गया है। और एक अपामार्ग का पेड़ होता है, कहा जाता है कि इस अपामार्ग के पेड़ को अपने सिर पे से वार कर रख देना चाहिए एक तरफ, जिससे नजर बजर अलाय वलाय सब निकल जाए, और सूर्य उदय से पहले इस प्रोसेस को करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। और उसके साथ साथ जैसे ही सूर्य उदय से पहले स्नान करने के उपरांत अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर दो दीपक, जिनको यमराज के रूप में ही उपस्थित किया जाता है, दो श्वानों के रूप में उनको दो दीपक वहाँ जला दी जाते हैं और उनको जला के रख देना चाहिए उनका पूजन। ये पूरा यम दीप दान होगा इस बार, क्योंकि यमदीप दान एक दिन पहले पड़ रहा है, लेकिन आमतौर पर यदि त्रयोदशी पूरी रात प्रदोष काल तक विद्यमान होती है तो शाम को यमदीप दान किया जाता है, लेकिन यमदीप दान जो है वो एक दिन पहले इस बार हो गया है, तो इसका जो 31 तारीख को सुबह सुबह सूर्योदय से पहले इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। और कहा जाता है इस प्रोसेस को यदि पूरा कर लिया जाए तो समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने का योग बनता है। इसके साथ साथ हनुमान जयंती मध्य पर्व में आएगी, दोपहर के समय सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर चूरमा बनाकर घर में भोग लगाएं उसके बाद, और उनका पूजन करें बड़े आनंद के साथ। और साथ साथ नरक का भी संहार भगवान कृष्ण ने इसी दिन किया था, तो उनके निमित्त विशेष तौर पर सुंदर पूजन करने का, शाम को शालिग्राम भगवान का पूजन करते हुए कार्य किया जाना चाहिए। इस दिन अभ्यंगम का भी शास्त्र रूप 14 भी कहा जाता है, तो उपटन लगाकर जो सुबह सुबह का प्रोसेस है कि जो तिल के तेल में उपटन लगाकर अपने पूरे शरीर पर मर्दन करना, उसके बाद यम के निमित्त तर्पण किया जाता है 14 मंत्रों से, जो दक्षिण की दिशा में बैठकर 14 मंत्रों के द्वारा तर्पण करने की शास्त्र में विधि बताई गई है। यम के समस्त 14 मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो तर्पण अवश्य करना चाहिए। ये अभ्यंग जो विशेष तौर पर जो रूप 14 का पूर्ण विधेय बताया गया, उसके बाद दो दीप जलाए जाते हैं घर के बाहर सूर्योदय से पहले पहले मुख्य दरवाजे के दोनों भागों पर, तो अवश्य इसका पूर्ण नियम करना चाहिए। और 1 तारीख को दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। ये दिवाली का पर्व बड़ा आनंददायक पर्व है, लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया है कि दिवाली कब मने, 31 तारीख को
क्या कारण क्या है कि लोगों को अज्ञान तो है नहीं। अब जो रात्रि के समय अमावस्या का प्रयोग करते हुए लोगों ने बहुत सारी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया। देखिए, एक तारीख को सूर्य उदय के साथ साथ प्रदोष तक यानी करीब करीब शाम को 6:15 बजे तक आपको अमावस्या मिल रही है और प्रदोष काल प्रशस्त है। यदि प्रदोष काल के अंदर सुंदर योग बने तो उस दिन कोई दिक्कत नहीं है, उसका पूजन कर लेना चाहिए। तो शाम के समय यदि प्रदोष काल में जो अमावस्या आपको मिल रही है तो उसमें उसका पूजन किया जाए। 31 तारीख का दिवाली का कोई औचित्य बनता ही नहीं है, क्योंकि उस दिन दोपहर के बाद करीब करीब 3 बजे के आसपास अमावस्या आई और लोगों ने कई भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास कर दिया। स्वाति नक्षत्र भी आपको 1 तारीख को ही मिल रहा है और साथ साथ शाम के प्रदोष काल तक, तो प्रदोष काल में ही महालक्ष्मी का पूजन करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष काल में अमावस्या है, आपके पास उदय तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान है, तो कोई भ्रांति उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सूत्र है कि प्रदोष काल के अंदर जिस सुंदर रूप से उदय तिथि के रूप में अमावस्या विद्यमान है तो उसी दिन दिवाली का सुंदर पर्व रहेगा। इसमें कोई भ्रांति उत्पन्न करने की कतई जरूरत नहीं है, शास्त्र विधि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अगले दिन गोवर्धन का पूजन रहेगा। 2 तारीख को गोवर्धन भगवान विष्णु के निमित्त अन्नकूट का पूजन किया जाता है और प्रदोष काल में भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करते हुए भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान कृष्ण का अन्नकूट इत्यादि का प्रसाद सुंदर रूप से बनाया जाता है, तो वो भी कार्यक्रम जो रहता है वो भी बड़ा अद्भुत रूप से शास्त्र के अंदर वर्णित है और ये सारे के सारे कर्म अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात और, ये गोवर्धन का जो दिन माना जाता है जिसके अंदर प्रतिपदा के दिन ये योग बनाया जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन, ये वो मुहूर्त है कि जिस दिन जैसा करोगे पूरे आने वाले 365 दिन तक वैसा आपके साथ होगा। और आप समझें कि आमतौर पे क्या होता है, लोग देर तक जागरण करते हैं, उसके सुबह देर में उठते हैं तो पूरा साल ही आलस में रहता है। तो इस दिन कम से कम सुबह जल्दी उठकर भगवान का सुंदर स्तवन करें, भगवान कृष्ण का स्मरण करें, समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए अन्नकूट इत्यादि का पूजन करें, भगवान पर विश्वास रखते हुए कार्य करें और गोवत्स गाय का पूजन करें। गो क्रीड़ा का भी शास्त्र में विधान बताया जाता है, भगवती का पूजन करने का शास्त्र में विधान बनाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को करके सुंदर रूप से समय निकालने का प्रयास करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आनंद भाव से रहें, गुस्से में ना रहें, आलस में ना रहें, क्योंकि ये जैसा हमने कहा 365 दिन तक वैसा ही होने के आपके साथ योग बनेंगे। आमतौर पर नए साल के दिन लोगों ने कह देते हैं रेजोल्यूशन पास कर लो, आज जो करोगे वैसा पूरे साल बनेगा, वो 1 जनवरी का नहीं है भाई मुहूर्त, वो विशेष तौर पर कार्तिक के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन का मुहूर्त है। तो इस दिन यानी गोवर्धन वाले दिन इस बार 2 नवंबर को योग पड़ रहा है, तो आनंद के साथ उस पर्व को मनाने का प्रयास करें। और साथ साथ इसके बाद दीपावली का अंतिम पर्व जो होता है वो होता है यम द्वितीया, भाई दूज का पर्व। कहा जाता है कि यमुना जी भगवती जो यमराज जी की बहन है और इस दिन यमुना जी ने बड़े सत्कार के साथ यमराज जी को बुलाया था और कहा था कि कभी आप हमारे घर नहीं आते हैं, तो उस दिन यमराज जी ने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा। और कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से उस दिन अपने घर में भोजन नहीं करना चाहिए, बहन के घर जाकर ही भोजन करने का नियम है और बहन भाई की दीर्घायु के लिए उसको तिलक करती हैं, तो ये अवश्य नियम पालन करने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अद्भुत पर्व हैं और इन सब मुहूर्तों के अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए दीपावली पर्व के अंदर अपने घर में सिद्ध महालक्ष्मी का यंत्र स्थापित करें, साथ साथ दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करने का प्रयास करें। ये महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है और महालक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है समस्त कष्टों का निवारण किया था। जब दीपावली का पूजन करें आप दीपावली के दिन, यानी जो इस बार दीपावली का जो 1 नवंबर को सुंदर पर्व पड़ रहा है, उस दिन पूजन के अंत में भगवती को कमल के पुष्पों की एक विशेष तौर पर शैया प्रदान की जाती है। और पूजन के अंत में यदि कमल के पुष्प नहीं मिल रहे हैं तो मखानों को ले सकते हैं आप, और मखानों को लेकर सुंदर तो एक प्लेट में रखकर उनके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास करें और महालक्ष्मी का पूजन विशेष तौर पर श्री सूक्त के मंत्रों से करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। उस दिन यज्ञ इत्यादि करें, आनंद भाव से कार्य करने का प्रयास करें। ये एक सिद्ध मुहूर्त हैं ये सब के सब, तो अवश्य इन सब मुहूर्तों में सुंदर रूप से पूजन करते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो अद्भुत रूप से आपके जीवन में समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बनेगा। सिद्ध महायंत्र विशेष तौर पर महालक्ष्मी का सिद्ध यंत्र अवश्य स्थापित करना चाहिए महालक्ष्मी, और पूरे वर्ष उनकी पूजन करने की सुंदर व्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए और ये समस्त प्रकार के आपके अनिष्टों को दूर करने का योग बनाती हैं ये सारी चीज़ें। और शंख, दक्षिणावर्ती शंख इस दिन यदि घर में स्थापित करें तो कहा जाता है साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाते हैं ये सब निधियाँ, तो अवश्य शास्त्र के दृष्टिकोण से इन सुंदर मुहूर्तों का लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, बहुत आनंद रहेगा।